तो भाई दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो बाय मी विथ वॉइस। कल के मैच के बाद सबको लग रहा है कि अब पटना पायरेट्स बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी बाहर नहीं हुआ है। अभी पटना पायरेट्स प्लेऑफ में अभी भी जा सकते हैं। वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। पटना पायरेट को अभी अपने क्वालिफिकेशन के लिए अभी ना 3 मैच बचे हैं, 3 मैच जीत जाने पड़ेंगे। पहला बात। दूसरी बात यह कि प्लेऑफ प्रिडिक्शन के लिए जयपुर पुणे यूपी बेंगलोर और तामिल और पटना, ये 6 लोग ना क्वालिफाई करेंगे। ये 6 टीम क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए मेरे हिसाब से। और पटना पायरेट को टोटल स्कोर आफ्टर विन 64, मतलब कि 64 पॉइंट्स हो जाएगा पटना का अगर 3 मैच जीत गया तो। और पटना चाहेगा कि गुजरात हरियाणा मुंबई दिल्ली और बंगाल उन लोग का पॉइंट्स हो 64 के नीचे, क्योंकि पटना का अभी नेट रन रेट है -42 इसलिए। और पटना बड़ी बड़ी मार्जिन से जीतता नहीं है, डू और डाई पे खेलता है, इसलिए गुजरात हरियाणा मुंबई दिल्ली और बंगाल वॉरियर सबके पॉइंट 64 से नीचे होने चाहिए। अब शुरू करते हैं कि पटना पायरेट्स कैसे क्वालिफाई करेगा। दिल्ली के अभी मैच बचे हैं 3। दिल्ली से किसका किसके मैच बचे हैं? पुणे से, मुंबई से और बंगाल वॉरियर से। दिल्ली चाहेगा कि पटना पायरेट्स के लिए दिल्ली को पुनेरी पल्टन से हारना पड़ेगा, मुंबई से दिल्ली जीत जाएगा और बंगाल वॉरियर से हारना पड़ेगा। तो दिल्ली के होंगे, तो इसके बाद दिल्ली के हो जाएंगे टोटल 59 पॉइंट्स। और हरियाणा का, अब जब हरियाणा की बात करें तो उसका मैच बचे हैं जयपुर से, तेलुगु से और तमिल से। तो हरियाणा को भी 2 मैच हारना पड़ेगा, क्योंकि अभी हरियाणा के पॉइंट अभी 51 पॉइंट है। अभी 1 मैच और जीतेगा तो 56, और एक मतलब 2 मैच जीत जाएगा तो हो जाएगा 61, क्योंकि 60 से नीचे चाहिए सबको, क्योंकि पटना को नेट रन रेट बहुत ख़राब है। इसलिए हरियाणा को ना अपना मैच को जयपुर से हारना पड़ेगा, तेलुगु से तो जीत जा रहे हैं तो तेलुगु से तो जीत ही जाएगा, और तमिल से हारना पड़ेगा तभी उसका टोटल पॉइंट होगा 56, तो और हो जाएगा 60 से नीचे, तो पटना का फ़ायदा होगा। और फिर अब बात करते हैं गुजरात का पॉइंट है अभी 46, मतलब अगर अपना 3 मैच जीत जाए गुजरात तो उसका हो जाएगा 61 पॉइंट, 60 से आगे बढ़ जा रहा है। इसलिए तो गुजरात को बस 1 मैच हारना पड़ेगा। यू मुंबई थोड़ी स्ट्रांग टीम लग रही है, इसलिए लगता है कि गुजरात यू मुंबई से हार जाएगा। और तेलुगु टाइटंस से तो जीतता ही है, तो तेलुगु से जीत ही जाएगा। और जयपुर पिंक पैंथर, क्या पता कि वो टॉप पे है, इसलिए लास्ट मैच में अपना वीक टीम उतारे, इसलिए जयपुर से तो जीतेगा ही। और 61 हो जाएगा तो पटना को नुकसान होगा, इसलिए तो गुजरात का टोटल पॉइंट हो जाता है अगर जयपुर से मतलब कि मुंबई से हारता है तो उसका टोटल पॉइंट होगा 56। अब बात करते हैं बंगाल वॉरियर का अगला मैच है जयपुर से, दिल्ली से और पटना से। बंगाल का भी 50 पॉइंट्स है और 3 मैच बचे हैं उसके। पटना पायरेट से वो तो हारेगा तभी तो पटना जाएगा ना। और 2 मैच बचे हैं दिल्ली से और जयपुर से। दिल्ली को हारना पड़ेगा तभी पटना पायरेट क्वालिफाई करेगा, इसलिए बंगाल को चाहिए कि जयपुर और दिल्ली से मैच जीत जाए ताकि उसका स्कोर हो जाए 60 पॉइंट और पटना को फ़ायदा होगा उससे। और यू मुंबई का बात करते हैं तो यू मुंबई के 3 मैच बचे हैं गुजरात जायंट से, दिल्ली से और बेंगलुरु बुल से। और यू मुंबई अपना गुजरात से तो स्ट्रॉन्ग टीम लग रहा है ना, इसलिए ना मुंबई ना गुजरात से जीत सकते हैं। और दिल्ली को हारना ही पड़ेगा अपना 2 मैच पटना को क्वालिफाई होना है तो, नहीं तो अगर अपना दिल्ली 2 मैच जीत गया तो पटना बाहर भी हो सकता है। इसलिए ना यू मुंबई को दिल्ली को हराना पड़ेगा, यू मुंबई को गुजरात से जीतना पड़ेगा, दिल्ली को अपना ना 3 मैच में से 2 मैच हारना पड़ेगा, 1 मैच जीतना पड़ेगा तभी तो यू मुंबई क्वालिफाई हो जाएगा, तो पटना बाहर हो जाएगा। तो यू मुंबई ना अपना गुजरात जायंट से मैच जीत जाए और दिल्ली से हार जाए, और बेंगलुरु बुल्स लास्ट मैच है, वीक टीम होता है क्या पता, इसलिए। तो ये है अब जब जितना ही बात की हम लोग, तो इसके बाद गुजरात को इसमें से अपने 3 मैच में से 1 मैच हारना पड़ेगा, हरियाणा को 2 मैच हारना पड़ेगा, बंगाल वॉरियर को 1 मैच हारना पड़ेगा, यू मुंबई को भी 1 मैच हारना पड़ेगा और दिल्ली को भी 2 मैच हारना पड़ेगा। फिर जब इतना होगा ना तो टॉप 5 के हम लोग को नहीं चाहिए। अभी के टाइम पे जयपुर पुणे यूपी बेंगलुरु और तमिल थलाईवास
ये तीनों मतलब ये पांचों टीम क्वालिफाई लगभग हो चुकी है। अब एक टीम बची है तो वो होगी पटना पायरेट्स मेरे हिसाब से। एज अ फैन मैं तो यही चाहूँगा कि पटना पायरेट्स क्वालिफाई हो जाए। और अब मेन बात आता है यहाँ से, तो जयपुर और यूपी और पुणे और बेंगलुरु और तमिल टॉप फाइव, और नंबर सिक्स पे पटना, और सेवन पे यू मुंबा, एट पे बंगाल वगैरह, नाइन पे दबंग दिल्ली, टेन पे हरियाणा स्टूडेंट, ग्यारह पे गुजरात, तेलुगु तो बाहर ही है। तो इतना मेन है अभी अभी जब जितना भी बताया हूँ मैं, इसके बाद होगा पटना का 22 मैच में 10 विन 9 लॉस 3 टाई और 64 पॉइंट्स। यू मुंबा का होगा 22 मैच के बाद 11 विन 11 लॉस 0 टाई 60 पॉइंट्स। बंगाल वॉरियर का 22 मैच के बाद 10 विन 10 लॉस 2 टाई और 60 पॉइंट्स। दिल्ली का होगा 22 मैच के बाद 10 विन 11 लॉस 1 टाई और 59 पॉइंट्स। हरियाणा स्टीलर का 22 मैच के बाद होगा 9 विन 11 लॉस 2 टाई और 56 पॉइंट। गुजरात जैंट्स का होगा 22 मैच के बाद 9 विन 12 लॉस 1 टाई और 56 पॉइंट। इसके बाद पटना पायरेट्स क्वालिफाई हो सकता है ऐसे। ये है पटना पायरेट्स का क्वालिफाई होने का सिनेरियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए।